सऊदी अरब का ईरान इसराइल कशीदगी पर तश्वीश का इजहार। सऊदी वजारत खारिजा के बयान में कहा गया है कि मशरक़ वस्ता आलमी अमन के लिए नागुजीर खत्ता है, कशीदगी बढ़ने से खतरनाक नतायज बरामद होंगे। फरीकैन तहम्मुल से काम लें और लोगों की सलामती को मुमकिन बनाए। सऊदी अरब ने सलामती काउंसिल पर जोर दिया है कि इलाकाई और आलमी अमन कायम रखने के लिए किरदार अदा करे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी इसराइल पर ईरानी हमले का रद्द अमल सामने आ गया। पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली से खिताब में ट्रंप ने कहा, अगर मैं सदर होता तो ईरान कभी इसराइल पर हमला ना करता। ईरान के गैर मामूली हमले पर अमरीकी सदर और पेंटागन मुतहरिक हो गए। सदर बाइडन ने नेतन्याहू से राबिता कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर बाइडन ने नेतन्याहू पर वाज़े किया कि अमरीका ईरान के खिलाफ किसी जारहाना कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। पेंटागन ने कहा, ईरान से तनाजा नहीं चाहते, अपने दिफा में हर मुमकिन इकदाम करेंगे। ईरान के हमले के बाद हंगामे सूरत हाल। अमरीकी सदर जो बाइडन छुट्टियां मनसूख करके व्हाइट हाउस पहुंच गए। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक सदर बाइडन ने नेतन्याहू से राबता करके भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। मीडिया ने दावा किया है कि सदर बाइडन ने नेतन्याहू पर वादे किया कि अमरीका ईरान के खिलाफ किसी जारहाना कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। पेंटागन का भी कशीदगी बढ़ाने से गुरेज। वजीर दिफा लॉयड ऑस्टन ने कहा कि तेहरान से कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते, तो हम अपने दिफा में किसी भी इकदाम से दरेग नहीं करेंगे। इसराइली दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। ईरानी हमलों के बाद की सूरत हाल जेर गौर आएगी। सदर बाइडन ने भी G7 ममालिक का इजलास बुला लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में ईरान के खिलाफ सिफारती रद्द अमल मुतवक्को है।